भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे।